नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेस डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में। ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपने कई बार नोट किया होगा आपके CCTV कैमरे में, IP कैमरे में या फिर आपके स्मार्टफोन में ये चीज़ें आपको मिलती होंगी। आखिर ये दोनों क्या है और दोनों क्या सेम है या दोनों में अंतर कितना है और दोनों का मतलब क्या है, आज इसके बारे में पूरे वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए मेरे चैनल में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों फेस डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों का अलग अलग मतलब है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फेस डिटेक्शन का, जो कि अक्सर आप अपने कैमरे में, सिक्योरिटी कैमरे में देखते होंगे। फेस डिटेक्शन है क्या और फेस डिटेक्शन वाले कैमरे जो है आप मांगते हैं कि हाँ चेहरा पहचान ले, ये कैमरा वैसा हो कि सामने वाला को देख सके। तो फेस डिटेक्शन क्या होता है? फेस डिटेक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ह्यूमन फेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ह्यूमन फेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर कोई एनिमल हो तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसके फेस को नहीं लेगा, वो ह्यूमन फेस को आइडेंटिफाई कर पाएगा और फेस को पहचान पाएगा कि हाँ ये इंसान है। वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, आँख, नाक, कान, इस हिसाब से वो अपने डीप लर्निंग सिस्टम से पहचानता है कि हाँ ये ह्यूमन फेस है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग पीपल काउंटिंग में भी किया जा सकता है, जैसे कि आप पीपल काउंटिंग वाले कैमरे आते हैं और भी कई तरह के ऐसे कैमरे आते हैं जो कि काउंट भी कर सके, क्योंकि ये अगर फेस डिटेक्ट कर पाता है तो उस हिसाब से ये काउंट भी कर पाता है। तो ये है फेस डिटेक्शन सिस्टम जो नॉर्मली आपको मिलते होंगे सिक्योरिटी कैमरे में। चलिए अब बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन की। ठीक है, फेशियल रिकॉग्निशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा ह्यूमन फेस को डिटेक्ट कर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दोनों में जो मुख्य अंतर है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन में वो पहचान सकता है कि हाँ ये ह्यूमन फेस है और ये किसका है। जैसे कि ये अगर मान लेते किसी ऑफिस में ये ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं तो वो पहचान सकता है कि ये उसका स्टाफ है, ये जो है कस्टमर है, ये वो है। तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई भी कर सकता है। यह बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आप कई जगह पर ऐसे सिस्टम को देखते होंगे, फेस रिकॉग्निशन डेटा को स्टोर करके नोन फेस को आइडेंटिफाई करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि फेस डिटेक्शन सिर्फ यह पहचान पाता है कि हाँ यह पिक्चर है, यह इमेज है, यह ह्यूमन फेस है और पीपल को काउंट कर पाता है, मगर फेशियल रिकॉग्निशन यह भी पता कर पाता है कि यह फेस किसका है, यह किस आदमी का फेस है, यह पता कर पाता है और साथ ही उसको डेटा स्टोर भी करता है जो बाद में सिक्योरिटी में काफ़ी काम आता है। चलिए दोनों में अब डिफरेंस बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए, फेस डिटेक्शन जो है फेशियल रिकॉग्निशन का एक छोटा रूप है, लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन जो है वो बड़ा रूप है, उसके अंतर्गत फेस डिटेक्शन आता है। यानी कि फेस डिटेक्शन एक छोटा रूप है और फेशियल रिकॉग्निशन एक बड़ा रूप है जिसके अंतर्गत फेस डिटेक्शन आता है। अब इसका यूज़ तो आपने समझ ही लिया होगा, एक बार और से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ह्यूमन फेस को डिटेक्ट करने के लिए, पहचानने के लिए फेस डिटेक्शन का उपयोग किया जाता है और फेशियल रिकॉग्निशन में ह्यूमन फेस को डिटेक्ट करने के साथ साथ आइडेंटिफाई भी किया जाता है। अब CCTV कैमरे, सिक्योरिटी कैमरे में जो आप मोशन अलर्ट आप देखते होंगे, नोटिफिकेशन जो देखते होंगे, वो सारे फेस डिटेक्शन को यूज़ करते हैं। फेस डिटेक्शन क्या होता है कि वह पहचानता है, जैसे कि डीप लर्निंग वाले एक्विशंस वाले में आपको मैंने कई बार बताया था, पर मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे किसी लाइन से अगर कोई आपका एनिमल क्रॉस करता है तो वहाँ पर अलार्म नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं बजेगा, लेकिन अगर कोई ह्यूमन फेस आता है तो अलार्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, जो सिस्टम है, जो सर्विस है वो आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा था और उस सिस्टम के अनुसार आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहीं पर आपके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जिस सिक्योरिटी कैमरे में है, यानी कि जिस सिस्टम में, वहाँ पर आपको मोशन डिटेक्शन के साथ साथ बेहतरीन सुरक्षा भी प्रदान होती है, सुरक्षा आपको मिलती है जो कि यह आइडेंटिफाई कर सकता है कि वह इंसान जिसने क्रॉस किया था उस लाइन को, वह कौन था, मेल था, फीमेल था, कौन था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह एनालिसिस कर पाता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसके बाद यूजेस कहाँ हैं,
देखिए फेस डिटेक्शन सिस्टम का जो यूज़ है, जो उपयोग है, आपको मैक्सिमम रिटेल मार्केटिंग में होते हैं, मैक्सिमम आपको पीपल काउंटिंग में होते हैं। और पीपल काउंटिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फेस डिटेक्शन यह काउंट करके बताता है कि 100 पीपल अंदर आए या 200 पीपल अंदर आए उस मॉल के, यह बता सकता है फेस डिटेक्शन। और ये इंसान ही, अगर कोई एनिमल आता है तो उसे वो डिटेक्ट नहीं करेगा। अब बात आती है कि फेशियल रिकॉग्निशन एडवांस क्यों है। फेशियल रिकॉग्निशन भी यह जो है काउंट कर लेगा कि हाँ 100 पीपल अंदर आए हैं, इसमें से सारे जो हैं, इसमें से कोई एनिमल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर क्या होता है फेशियल रिकॉग्निशन में, कि वह यह बता पाता है कि 100 पीपल में मैन कौन है, फीमेल कौन है, उनका स्टाफ कौन है, कस्टमर कौन है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके स्क्रीन पर शो कर सकता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, मगर फेस डिटेक्शन सिस्टम ऐसा नहीं कर पाता है। यूजेज मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी कैमरे में फेस डिटेक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका, रिटेल शॉप में, पीपल काउंटिंग कैमरे में, इस तरह के काउंटिंग वाले कैमरे में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फेस डिटेक्शन सिस्टम। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी में काफ़ी यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ ANPR कैमरे में होता है, ताकि वह पता कर पाता, वह कैमरा पता कर पाता है कि किस जगह पर नंबर प्लेट है, जिसे उसे स्कैन करके खींच कर रख लेना है। और इन फ्यूचर कभी भी उस जगह से अगर वो कार गुजरती है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। या फिर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो फेशियल रिकॉग्निशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, विदेशों में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसमें आपको क्या है कि अगर कोई भी सस्पेशियस पता चलता है कि हाँ यह आदमी जो है चोर है या डकैत है या कुछ भी है, आपने उसके पिक्चर पर जो डेटा जो है उस सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया, और यह सिटी सर्विलेंस कैमरे में जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को वो यूज़ करता है, तो वहाँ पर वह अलार्म भेज देगा, नोटिफिकेशन भेज देगा कि उस मार्केट में उस व्यक्ति को देखा गया है जो सस्पिशियस है। तो ये चीज़ें जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फेशियल रिकॉग्निशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसका उपयोग जो है सिक्योरिटी पर्पज से काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। टाइम अटेंडेंस सिस्टम हो गया आपका, बायोमेट्रिक्स हो गया जो फेस डिटेक्शन से अटेंडेंस बनता है, ये सारी चीज़ें जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करती है। तो आपके स्मार्टफोन में जो सिस्टम है समझ में आ गया आपको, और ब्रॉड लेवल पे इसका यूज़ होता है, और आने वाले समय में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। अब बात आती है कि कैसे पता चलता है। देखिए फेशियल रिकॉग्निशन की एक अपनी टेक्नोलॉजी है, जो कि वह यह तो आइडेंटिफाई कर पाता है कि यह मैन है या फीमेल है, ये सारे आइडेंटिफिकेशन वो कर पाता है अपने इंटेलिजेंस स्किन, उसमें जो डेटा है वो जो स्टोर्ड डेटा है वो फीड किया जाता है एक बार, या फिर एक सिस्टम या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर से वो कनेक्ट होता है, जो कि यह पता कर सकता है आपके जो भी डेटाज वगैरह हैं वो स्टोर करके रखा जाता है, उस हिसाब से जो है इसे फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से फेस डिटेक्शन सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।